सो व्हाट्सअप गाइज, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे IMU के द्वारा जो कंडक्ट कराया गया था वेबिनार आज 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, उसके बारे में। तो मैंने कल के वीडियो में ही उसका फॉर्म का लिंक डाल दिया था कि कहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो आपको वेबिनार में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। वहाँ पे आप बेसिकली अपना क्वेरी आप पूछ सकते थे, वहाँ पे जो IMU के फैकल्टी के जो लोग थे उनसे डायरेक्टली, और आप उनको उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते थे, अपना क्वेरी और डाउट जो जो भी आपके मन में था आप वो सब पूछ सकते थे। तो मैं भी 3 बजे गूगल मीट के थ्रू कनेक्ट किया था वेबिनार में, लेकिन वो एक वेबिनार छोड़ के एक नॉइज़ पोल्यूशन सेंटर बन गया था। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि वो नॉइज़ पोल्यूशन सेंटर मैं क्यों कह रहा हूँ उसको, तो आप ये क्लिप देख सकते हैं वहाँ पे क्या क्या हो रहा था। वहाँ पे कोरोना भगाया जा रहा था और आपका पैसे वापस मांगा जा रहा था। तो ये क्लिप आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सर शक्ल देख के एडमिशन लेना शुरू कर दो, सर शक्ल देख के एडमिशन लेना शुरू कर दो, शक्ल जिसकी अच्छी है उसको एडमिशन दे देंगे। तो बेसिकली मैं वहाँ पे अपना पेन और पेपर लेके बैठा था कि कोई अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर वहाँ से बोला जाएगा तो मैं उसको नोट कर लूँगा और आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा कि वेबिनार का असली मकसद क्या था और क्या मतलब रिजल्ट आपका कैसे आएगा वो समझाया जाएगा। तो मैं वो सब नोट करके आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा। तो मैंने अभी जितना नोट किया था उसमें देखिए यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले उन लोगों ने IMU का इंट्रोडक्शन दिया था, कोर्सेज का इंट्रोडक्शन दिया था, प्लेसमेंट्स बताए थे कि प्लेसमेंट्स मेरे यहाँ यहाँ सारे कोर्स के प्लेसमेंट बताए थे। फिर कैंपस वाइज इंट्रोडक्शन चल रहा था कि हर कैंपस के फैकल्टी थी वहाँ पे, वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे अपने कैंपस को। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात पूरी पता चली वेबिनार में, सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट बात कि वो अभी सिर्फ PCM परसेंटेज कंसीडर कर रहे हैं, टोटल क्लास 12th का जो मार्क है वो नहीं कंसीडर कर रहे। जो आपका 12th का परसेंटेज है उससे उनको कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ 12th के PCM परसेंटेज से मतलब है, उसके बेसिस पे आपका रिजल्ट बनेगा। बच्चे वहाँ पे बहुत पूछ रहे थे कि यार 60% वालों का क्या होगा, 65% 70% वालों का क्या होगा, तो उन लोगों ने उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। सिर्फ उन लोगों ने ये बोला था कि गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है नॉर्मलाइजेशन मेथड, उससे वो मतलब काफ़ी बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये नॉर्मलाइजेशन मेथड होता है, जैसे SSC ये सब जो आपका गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है ये सब में नॉर्मलाइजेशन मेथड है। अभी मैं एग्जाम्पल भी दूंगा कि नॉर्मलाइजेशन मेथड बेसिकली होता क्या है। तो अभी मतलब ये बस उनका पूरा इन्फॉर्मेशन मिला था जो कि मैंने पेपर पे नोट किया था, आप देख सकते हैं पेपर पे। तो बस इतना ही इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिला था, 50 मिनट का वेबिनार हुआ था, पूरा हो भी नहीं पाया था, उन लोगों ने शायद गुस्से में ही उसको डिसकनेक्ट कर दिया था। तो वो लोग बेसिकली बोल रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो होगा जिससे सारे बोर्ड्स के कॉपी कैसे चेक होते हैं उनको पता चल जाएगा और वो मतलब उसके हिसाब से रिजल्ट बनाएंगे। सो गाइज, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे जो बोर्ड से रिलेटेड डाउट पूछ रहे थे, जैसे कि CBSE वाले कह रहे थे कि हमारा कॉपी थोड़ा टफ चेक होता है ICSE और ISC के मुकाबले, तो उन लोग का परसेंटेज ज़्यादा हुआ, हम लोग का कम हुआ, तो हम लोग के साथ ये टोटली अनफेयर डिसीजन हुआ। और स्टेट बोर्ड वाले अपना अलग रोना रो रहे थे कि कह रहे थे कि हम लोग का कॉपी सबसे टफ चेक होता है और CBSE ICSE ISC वालों से हम लोग के कम परसेंटेज आते हैं, तो हम लोग मतलब क्या करेंगे। तो सो गाइस, परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी डाउट पूछे जा रहे थे बच्चों से, तो उन लोग का सिर्फ एक ही कहना था कि वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो उन लोग का है उससे सब सही हो जाएगा, सबसे फेयर डिसीजन लिया जाएगा कि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो फर्दर। फिर भी बच्चे मतलब बिल्कुल मान नहीं रहे थे उस प्रोसेस को, और वहाँ पे #boycott IMU #conduct IMU यही मतलब # फैला रहे थे। तो बेसिकली अभी हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन मेथड होता क्या है और कैसे काम करता है। तो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर किया इंटरनेट से, कोरा से, कि देखिए जैसे आप मतलब यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं कि 2 शिफ्ट हुआ है, तो पहले शिफ्ट का जो एवरेज मार्क्स है वो है आपका 100 मार्क्स और जो दूसरे शिफ्ट का एवरेज मार्क है वो है 110 out of 200। तो यहाँ पे ईजीली आप कंसिडर कर सकते हैं कि जो शिफ्ट 1 हुआ होगा वो थोड़ा सा टफ हुआ होगा कि बच्चे वहाँ पे एवरेज 100 मार्क्स लाए आउट ऑफ 200 और जो दूसरा शिफ्ट है वहाँ पे 110 लाया गया 200 में से। अब यहाँ पे 2 बच्चों को कंसिडर किया जाए जो कि एक शिफ्ट ए का होगा और एक शिफ्ट बी का होगा। तो पहले शिफ्ट में जो बच्चा होगा वो भी लाया होगा 120 नंबर और दूसरे शिफ्ट में जो बच्चा होगा वो भी लाया होगा 120 नंबर। तो यहाँ पे जो शिफ्ट ए का जो बच्चा होगा उसको माना जाएगा कि वो उसने ज़्यादा मेहनत करी है शिफ्ट बी के मुकाबले, क्योंकि शिफ्ट ए टफ था पहले के मार्क्स से पता चला था,
और स्विफ्ट भी आसान था, तो वहाँ के बच्चे अगर दोनों अगर सेम ला रहे हैं तो स्विफ्ट ए को माना जाएगा कि उसने ज़्यादा मेहनत किया। तो कुछ ऐसे ही नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस काम करता है, और आगे उन्होंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर लगा के वो एक ऐसा प्रोसेस निकालते हैं जिससे इनके मार्क्स रिड्यूस करके जो स्विफ्ट बी वाले होते हैं उनको थोड़ा कम किया जाएगा, और जो स्विफ्ट ए वाले होगा उनका वैसे के वैसे ही नंबर रहेगा। सो गाइज, होप करता हूँ कि आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। पहले मुझे भी नहीं समझ में आया था, पर मैंने थोड़ा टाइम दिया, फिर समझा इसको, और आपको मैंने बताया कि ये ऐसे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है। तो मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता है कि ये इसी ऐसे ही नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस चलता है गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। तो इन लोगों ने इसके बारे में कुछ बताया नहीं, उन लोगों ने बस यही बोला कि फेयर डिसीजन है, और लास्ट में बस यही बोला कि डेट हम लोग का जो सीटी का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको एक्सटेंड करके 21st ऑफ अगस्त कर दिया गया है, 21st ऑफ अगस्त। और उसके बाद उन्होंने बस यही बोला कि आप अगर चाहते हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन अभी कर सकते हैं, अगर नहीं। सो गाइज, हम इस डिसीजन के लिए कुछ कर भी नहीं सकते, हम लोग बस वेट कर सकते हैं फर्दर नोटिस जो IMU से आएगी कि आगे क्या करना है, कैसे रैंक सर्टिफिकेट बनेगा। अभी तक के लिए तो यही है कि आपका PCM परसेंटेज पे ही आपका रैंक सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको और भी इंटरेस्टेड वीडियो चाहिए मर्चेंट नेवी से रिलेटेड तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं कि और मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।